टाइटल थंबनेल में तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, आज मैं जाने वाला हूँ अपना पहला गेमिंग पीसी बिल करवाने, और इस पीसी का बजट अच्छा खासा होने वाला है, बजट सीरीज का बिल्कुल नहीं होने वाला है, प्राइसिंग आगे चल के रिवील करूंगा। जाने का वाला हूँ यार नेहरू प्लेस दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट, और वहां जाके मैं SMC इंटरनेशनल से बिल करवाने वाला हूँ। ऐसा इसलिए यार मैंने बहुत सारी जगह GPU की प्राइसिंग पता करी है, तुम्हें पता ही होगा ग्राफिक कार्ड की प्राइस डबल से भी ज्यादा हाई चल रही है, लेकिन SMC इंटरनेशनल पे मेरे को अब भी काफी ज्यादा कंट्रोल में लगी है प्राइसिंग, और वहां जाके वहां का भी ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं सब दिखाऊंगा वहां की प्राइसिंग में क्या रहा अपना पीसी बिल। तो यार पहला ब्लॉग होने वाला है, वैसे टेक वीडियोस ही डालता हूं, अगर थोड़ा अच्छा ना लगे तो फिर भी सपोर्ट दिखा जाना। तो अब सीधा रेडी होता हूं और सीधा मिलते हैं नेहरू प्लेस। यार आ चुके हैं नेहरू प्लेस, आपने देख लिया होगा मेट्रो में आए हैं। तो यार भीड़ तो है लेकिन उतनी बिल्कुल नहीं जितनी मतलब लॉकडाउन से पहले यहाँ होती थी ना, अगर आपने कभी नेहरू प्लेस देखा हो। ओड इवन हालांकि हट चुका है दिल्ली में, सारी दुकानें खुली हुई हैं, बट फिर भी अब ऐसा लग रहा है यार मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी लो आ रही होगी, इतना नॉइज़ है यहाँ पे, बट हाँ जितना भी वो है ना, तो हाँ भीड़ बिल्कुल आधी से भी कम है जैसे पहले लॉकडाउन के आती। और यार यहाँ नेहरू प्लेस एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है, यहाँ आपको सारी ब्रांड्स के और शोरूम देखने को मिल जाएंगे, देखो लिनोवो, एसर, एसुस, लॉजिटेक, डेल, HP, और इधर साइड भी बहुत हैं, एसुस का रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, डेल, लिनोवो। तो यार यहाँ बहुत सारी ब्रांड्स के बहुत सारे शोरूम देखने को मिल जाएंगे, और कंप्यूटर मार्केट के अलावा आपको यहाँ एक पटरी मार्केट जिसको कहते हैं यार इंडिया में, मतलब कपड़ों की शॉपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा चलता हूँ SMC इंटरनेशनल और वहाँ दिखाऊंगा आपको SMC इंटरनेशनल। अब यहाँ अंदर चलता हूँ, प्राइसेस वगैरह मेरे को पहले से ही पता है बट फिर भी बात करते हैं एक बार, और शायद आज मेरे को पीसी देखने को मिलेगा भी नहीं, अब आपको दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ आपको सारे पीसी बिल्ड देखने को मिल जाएंगे, मैंने अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन प्राइसिंग वगैरह सब ले ली है, आज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने चेक पेमेंट करी है यार, क्योंकि चेक पेमेंट जब क्लियर होगी तो जिस दिन मैं बनाऊंगा तो इस ब्लॉग को ही कंटिन्यू करने वाला हूं, शायद पीसी बिल्ड भी दिखा दूं। तो ये सारे कैबिनेट रखे हुए हैं, हालांकि आप जितनी भी GPU CPU प्राइसिंग पता करना चाहते हो ना smcinternational.com पे जाके सारी प्राइसिंग चेक कर सकते हो, लगभग वैसी ही मिलेगी, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको ये शेखर भैया मिलेंगे, ये इनसे आप सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख सकते हो, और जितनी भी प्राइसिंग पूछनी हो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे स्पेसिफिकेशन वगैरह में, और आपको पीसी के अलावा यहाँ लैपटॉप भी बहुत देखने को मिल जाए। ये देखो यार ये कुछ अलग सा ही पीसी लग रहा है, अब मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन ये जो CPU दिख रहा है ना काफ़ी तगड़ा दिख रहा है, कैबिनेट जो भी है, और ये मॉनिटर है, पता नहीं AIO है, इतना मेरे को नहीं पता है, अभी पीछे से पता चलेगा। और इसके अलावा आप लैपटॉप भी काफ़ी सारे देख सकते हो ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, गेमिंग के लिए, आपको यहाँ लैपटॉप की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। और यार जितने भी आपको चाहिए ना, खाली यहाँ आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेंगे, अगर आप साइट पे चेक करते हो कि खाली ग्राफिक कार्ड के प्राइस, अगर आप कोई माइनर हो तो आपको खाली ग्राफिक कार्ड यहाँ नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीसी बिल्ड देखने को मिलेंगे, जैसा चाहो आप वैसा पीसी बिल्ड करवा सकते हो। इसके अलावा आपको सारी एसेसरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे भी एसेसरी चाहिए, मैंने भी कीबोर्ड माउस सब कुछ लिया है, आगे चल के दिखाऊंगा कौन कौन सा लिया है, जैसे भी आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए हो, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, सस्ता माउस या फिर महंगा कैसा भी करने देखने को मिल जाएगा, सारे मदरबोर्ड के टाइप देखने को मिल जाएंगे, B460 B450 AMD के लिए चाहिए, इंटेल बेस्ड चाहिए, सारे पीसी बिल्ड देखने को मिल जाते हैं। और यार यहाँ आप देख सकते हो सारे हेडफोन्स भी लगे हुए हैं, जैसा आपको पसंद आए कीबोर्ड वगैरह सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो ये जितने भी पीसी बिल्ड बन के जाने वाले हैं, यहाँ उनका बिल रखा हुआ है, प्रोसेसर और सारा सामान, इसी तरह मेरा भी आएगा, बट अभी नहीं, यहीं से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर दूंगा जिस दिन भी मैं दोबारा आऊँगा। और यही वाली रैम मैंने लगवाई है G-Skill Ripjaw, और मेरे को काफ़ी सही लगती है। और ये देखो इसके प्रोसेसर वगैरह, अभी मैं इसकी फर्स्ट लुक भी आपको नहीं दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा कैबिनेट लिया यार, और प्राइसिंग की बात करूँ तो अराउंड 1.5 लाख टोटल मेरा पीसी बिल्ड के आने वाले हैं, बाकी देखते हैं आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो यार सारा काम हो गया है, अब यहाँ मार्केट खा पी के कुछ घूमने वाला हूँ, बट वहाँ का ब्लॉग नहीं करूँगा। पीसी की बात करूँ तो जैसे ही 2-3 दिन में चेक क्लियर हो जाता है मैं लेने आ जाऊँगा, और पीसी बिल्ड की मतलब ब्लॉग जो अब कंटिन्यू होगा आपको वहीं से देखने को मिलेगा। और अगर आप भी SMC इंटरनेशनल से मतलब पीसी बनवाना चाहते हो ना, तो यार उनका नंबर, वेबसाइट, प्राइसिंग वगैरह कुछ भी पता करना चाहते हो तो एड्रेस वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यार आगे ब्लॉग कंटिन्यू करोगे आप 2 दिन बाद। तो यार बोला तो 2 दिन था लेकिन मैं पिछले मंडे आया था और अब अगला मंडे हो चुका है पूरे 7 दिन, क्योंकि जो मदरबोर्ड मैं सेलेक्ट करके गया था स्टॉक में नहीं आ रहा था। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा लेके चलता हूँ SMC इंटरनेशनल और अब वहीं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग।
कैबिनेट से शुरुआत करूँ तो डीप कूल का जो V3 मैक्स आता है ग्लास वाला, वो वाला मैं बॉर्डर लगवा रहा हूँ। पावर सप्लाई की बात करूँ तो डीप कूल की 650 गोल्ड वाली लगवा रहा हूँ। ये रहा वो ग्राफिक कार्ड जो मेन 3060 MSI का, इसके प्राइसिंग मेरे को काफ़ी सही पड़ गई है। मदरबोर्ड की बात करूँ तो MSI का B560 मोटर वाईफाई, इसमें वाईफाई भी देखने को मिल जाता है। रैम स्टिक्स मैंने आपको उसी दिन बता दी थी, जी स्केल रिपजॉस दे रहा हूँ 3000 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि इंटेल में इससे ज़्यादा मतलब ओवरक्लॉक हम कर नहीं सकते। ये SSD है, 1 TB SSD लगवा रहा हूँ मैं डाटा की, और हार्ड डिस्क को यूज़ नहीं करी है। ये माउस एंटी स्पोर्ट्स का GM300। प्रोसेसर की बात करूँ तो i7 10th generation, इसमें स्टॉक कूलर भी देखने को मिल जाता है बट मैं लिक्विड कूलर लगवाने वाला हूँ, दिखाऊंगा। कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड भी मैं एंटी स्पोर्ट्स का लेने वाला हूँ, MK1000 मैकेनिकल कीबोर्ड है और फुल साइज़ मेरे को नहीं चाहिए था, ब्लू स्विच इसके साथ आता है, वो आगे चल के मैं बता दूंगा। और ये रहा वो लिक्विड कूलर, ये मेरे को काफ़ी सही प्राइस पे पड़ा है, 5000 के आसपास ये पड़ गया है। और इसमें ये RGB नहीं है, ब्लू लाइट है, और मेरे को मतलब RGB से भी इतना मतलब था नहीं, क्योंकि मेरे को ब्लू अपना थीम रखनी थी। तो ये डीप कूल का 240mm का लिक्विड कूलर देखने को मिल जाता है, और एक मैंने कीबोर्ड लिया, वो सॉरी मॉनिटर लिया है MSI का IPS पैनल के साथ, जो कि मेरे को 10,000 के आसपास का पड़ गया है। और ये सारे कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, अब सीधा बिल्ड दिखाऊंगा आपको। COVID-19 की वजह से वहाँ इतना ज़्यादा शूट करने नहीं दे रहे थे जो PC बिल्ड की, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है, जितना शूट कर पाया हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया होगा, आप देख चुके होंगे वीडियो में। और अब मैं इसको घर लेके आ चुका था कैब करके। और बात करूँ इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, एग्जैक्ट प्राइसिंग कितनी बैठी है मॉनिटर वगैरह सबके साथ, तो नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, स्पेसिफिकेशन वगैरह, B-roll सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगा अपना PC, और उससे नेक्स्ट वीडियो में अपने मॉनिटर की अनबॉक्सिंग, फिर कीबोर्ड की, माउस की, क्योंकि वो भी मैंने गेमिंग वाले लिए हैं अच्छे खासे, उनकी सबकी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा, और उसके बाद डेस्क सेटअप टूर भी दे दूंगा यार। तो मतलब बहुत सारी अनबॉक्सिंग और बहुत सारी से रिलेटेड कंटेंट ही कंटेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ब्लॉग यहीं एंड करता हूं, पहली बार ब्लॉग कर बनाने की कोशिश करी थी यार, जैसा भी बनाओ थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, और वीडियो काफी कमाल कमाल आने वाली है। और अगर ये वीडियो अच्छी ना बनी हो, पता नहीं कितना लंबा बन गया होगा और कैसा बनेगा, मैं एडिटिंग करते टाइम ही देखूंगा। तो यार खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेट करे तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं मिलूंगा जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक। Boom.